की क्षमता आप में आ गई तो आपका ये होगा, ये रखा हुआ है। लिखने की क्षमता आनी चाहिए, जैसे अभी पीटी पढ़ा रहे हैं और धीरे 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 उसी चीज को लिखने वाला क्लास, जैसे देखिए लेखन क्लास शुरू हुआ है, लिखने का क्षमता आया तो डीएसपी बीडीओ सीओ जो भी है ऊपर का रैंक मिलना शुरू हो जाए। और जब तक ऑब्जेक्टिविटी में फंसे रहेंगे तब तक दरोगा हाईएस्ट पोस्ट होगा, उसके नीचे ही सब रहेगा, ठीक है। हाँ, तो लिखने वाला भी कला सीखना है, ठीक है। उसके बाद से तो फिर ऑफिसर बनना है, नॉलेज ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन लेखन कला में क्वेश्चन लिख दिया, चंपारण आईएएस जाना ही जाता है, क्वेश्चन ही डायरेक्ट क्या होगा, लड़ेगा मेंस में डायरेक्ट लड़ेगा, पीटी जब लड़ता है तो मेंस का पक्ष छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए फिगर बना लेंगे, ये कौन सा फिगर बन रहा है, एटलस भी होगा आप लोगों के पास, है ना। देखिए फिगर बनते जा रहा है, क्योंकि हम लोग को सिंधु तंत्र पढ़ना है तो उधर बकवास भारत बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये लिख रहा ना कि भारत जैसा है, सभी लोग मैप खोलिए फटाफट, सब लोग अपना एड्रेस निकालिए जल्दी, जरा यहाँ पेन घुमा आपका वहां डायरेक्ट निकल जाना चाहिए। उसमें सबसे पहले आज लोकेट क्या करना है मैप में कि कश्मीर और लद्दाख अच्छा से देख लीजिए कि किधर किधर है, जिनके पास नहीं है बगल से शेयर करके देखिए, इसमें नहीं है पुराना एड्रेस, नया एड्रेस में आ गया है। ये देखिए लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर है और ये लद्दाख है, मोस्ट पार्ट ऑक्यूपाइड बाय लद्दाख, इससे छोटा पार्ट है जो कश्मीर है, ठीक है, माइंड में रखिएगा, एकदम क्वेश्चन आ जाएगा। इन केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सबसे बड़ा एरिया में, आंसर देख के ही मानना है लद्दाख, दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ से छपने वाला है अगला एग्जाम में, ठीक है, एकदम श्योर शॉट है कि क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो दिखेगा वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये लद्दाख है, ये कश्मीर है, ठीक है। इसका और भी अच्छा मैप निकालेंगे, देखिए यहाँ छोटा में ये सब कुछ दिख रहा है, देखिए एरिया में कौन बड़ा है, लद्दाख है। देखिए इस बार बीपीएससी में आया था क्वेश्चन है ऑप्शन लद्दाख आंसर होगा, देखिए तब आ गया कि नहीं आ गया, तो एकदम आना है, जो पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा, एक्स्ट्रा घूमने की जरूरत नहीं। देखिए चलिए फिगर पे आते हैं, यहाँ पे एक जिसका नाम है मानसरोवर, मानसरोवर से एक नदी है और ऐसे देखिए घुस करके ऐसे निकल गया, इसी का नाम है सिंधु, ठीक है सिंधु। अब देखिए ये कहाँ से आया, हिमालय के उस पार से आया, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रांस नहीं बोलेंगे, विदेशी नदी हो गया, ट्रांस का मतलब विदेशी एलियन बाहरी है ना, इधर उधर का सर, तो देखिए विदेशी नदी हो गई, कहाँ से, तिब्बत से, किसमें आया, भारत में, फिर कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, लास्ट में कहाँ चला गया, अरब सागर में, अरब सागर में।